लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे। बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि सरकार को बिहार की ज्वलंत समस्याएं नहीं दिखती है या फिर ये लोग देखना नहीं चाहते। बार बार लोगों की आस्था और विश्वास का मजाक उड़ाना और उस पर बयानबाजी करना गलत है। कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसे निर्धारित करने वाला नहीं होता। सरकार का काम यही नहीं कि किसी की आस्था या किसी के विश्वास पर कोई टिप्पणी की जाए। सरकार का काम ये है कि लोगों को उनकी ज़रूरत मुहैया कराई जाए। सरकार जब इसमें हस्तक्षेप करने लगती है तो यह दर्शाता है कि सरकार ज्वलंत विषय से ध्यान भटकाते के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रही है जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद क्यों नहीं तमाम दलों के सुझाव इसमें लिए गए। जब गणना शुरू हुई थी तब भी आशंका जाहिर की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। किसी से राय मशवरा सुझाव लेना वो ज़रूरी ही नहीं समझते और ये कारण होगा कि इसका स्वरूप ही इतना कमज़ोर तैयार किया गया है कि सरकार अपने पक्ष को न्यायालय के सामने रख नहीं पाएगी। करके दिखाइए भाई, किसी भी संगठन को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, उसके नाम को इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करना सरासर गलत है। मैं बार बार मैं यही कहता हूँ, क्या सही में ज्वलंत विषय समाप्त हो गए हैं? कर्नाटका में क्या और कोई विषय नहीं रहा विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस के पास कि भाई आप इस तरीके के विषय को आप उठाएंगे? क्या कर्नाटका में बाकी तमाम समस्याओं का समाधान हो गया और आज आपको कर्नाटका सुनाई दिया तो तुरंत यहाँ पे विपक्ष के लोग शुरू हो गए कि भाई बिहार में भी घटना बताइए ना, किस आधार पर आप ये करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं भैया? क्योंकि एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास एक विपक्ष का घटक दल कर्नाटका में कर रहा है तो इसीलिए बाकी के भी जो विपक्ष के दल हैं वो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। इसीलिए भैया बिहार में भी इसको बैन कर दिया जाए। कुछ आधार है किसी चीज़ को बैन करने का या आए गए कल को जो आपका मन करेगा आप करेंगे? तानाशाही की सरकार चला रहे हैं या लोकतंत्र की सरकार चला रहे हैं? इस तरीके से अगर तानाशाही है तो सही मायनों में जो मुख्यमंत्री बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या मुख्यमंत्री जी इसको बोल। बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव के बागेश्वर बाबा पर दिए गए बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि जैसे जिसकी सोच बिहार सरकार के मंत्री हैं, सुरेंद्र यादव इस तरीके का बयान देते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धीरेन्द्र शास्त्री बच्चियों की पढ़ाई कराते हैं, बच्चों की शादी करवाते हैं, मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करते हैं और बाबा के बारे में इस तरह की बात की जा रही है जो कि काफ़ी गलत है। मंत्री को इस बयान के लिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तीन तैसी, जैसी दृष्टि वैसा दृश्य है। तो बड़े पद पर लेकिन दृष्टि संकुचित है। महाराज जी गरीब बच्चों की शादी करवाते हैं उन पर उनका ध्यान नहीं गया, भंडारा करवाते हैं, शैक्षणिक संस्था चलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और कोई भाव में नृत्य कर रहा है तो उस पर उनकी दृष्टि चल गई। मंत्री जी को शर्म करना चाहिए अपने बयान पर और बाबा के शरण में जाकर के माफ़ी मांगनी।